हेलो एवरीवन इन द लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड द टॉपिक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट एंड वी डिस्कस्ड व्हाट इज डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट इंटेलमेंट व्हाट इज इंडक्टिव इंडिग्यूमेंट इंडक्टिव लीप ये हमने डिस्कस किया था एंड टुडे वी विल कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट वैलिडिटी वैलिडिटी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट दर्म वैलिडिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हमें बताता है कि वेलिडिटी सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल है इनडक्टिव के लिए नहीं नाउ

डी इनहरिट इन द प्रोम ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मेंंक्लूजन के बीच नेसेसरी रिलेशन होता है सो इट इज अंडर स्टोर्ड इफ ऑल द प्रोमिस कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू ट्रूथ ऑफ ऑल द प्रोम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज सपोज टू गारंटी दूथ ऑफ द कंक्लूजन इसलिए हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन के ट्रू होने की गारंटी होती है विथ ऑल ट्रू अगर सारी प्रोमिस ट्रू है तो इस बात की गारंटी है कि उस ऑर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन भी ट्रू होगा सो दिस इज वैलिडिटी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट नाउ

कन्विंसिंग और अनकन्विंग क्योंकि उसमें कंक्लूजन पूरी तरह प्रोमिस को फॉलो नहीं करता इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट अच्छा है या फिर बुरा है सही है या गलत है इस तरह के वर्ड हम उसके लिए यूज कर सकते हैं देयर इज नथिंग कॉन्ट्रोडिक्ट्री इन एक्सेप्टिंग ऑल ट्रू प्रोमिस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन इन दिस रीजनिंग सो so ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट में तो एक नेसेसरी कंडीशन थी कि इफ ऑल प्रोमिस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बट दिस कंडीशन इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं कर रही है यहाँ पे दिस कॉम्बिनेशन विथ ऑल ट्रू प्रोमिस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन इज पॉसिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट द ट्रूथ ऑफ ऑल प्रोमिस कैन प्रोवाइड पार्शली सपोर्ट इन टर्म ऑफ प्रॉबिबिलिटी फॉर द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन लास्ट में हमने पढ़ा कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में इस बात की गारंटी है कि कंक्लूजन अगर प्रोमिसज ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा बट ये गारंटी यहाँ नहीं है यहाँ पार्शल सपोर्ट होता है कंक्लूजन और प्रोमिस के बीच नेसेसरी रिलेशन नहीं होता प्रबेबिलिटी का रिलेशन होता है इसलिए यहां हम हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं दे सकते फॉर एग्जाम्पल प्रोमिस क्रोज क्रो एक्स इज ब्लैक क्रो वाई इज ब्लैक क्रो जेड इज ब्लैक सो कंक्लूजन इज देयर फॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक इस एग्जाम्पल से हम क्या देख पा रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो प्रोमिस को पूरी तरह फॉलो ना करके उससे बाहर निकल गया है सो हेयर वन कैन नेवर बी श्योर दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक क्योंकि बाहर निकला तो हम सारे क्रोज़ के लिए सर्टन नहीं हैं कि वो ब्लैक हैं हो सकता है इन फ्यूचर कोई नॉन ब्लैक कलर का क्रो भी हमें देखने को मिले सो इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर वन में कम अक्रॉस अ क्रो विच इज़ नॉन ब्लैक कलर तो इसलिए हमने कहा कि इसलिए हमने कहा कि द ट्रूथ ऑफ ऑल प्रोमिस कैन प्रोवाइड पार्शियल सपोर्ट इन टर्म ऑफ प्रॉबिबिलिटी फॉर द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन दिस इज अ वैलिडिटी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ इंडक्टिव ऑर्क्यूमेंट नाउ काइंड एंड डिग्री काइंड एंड डिग्री से पहले मैं आपको बताऊं

जब हम ऐसा कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करते हैं और ट्रू प्रोमिस एंड फॉल्स कंक्लूजन तो डेफिनेटली वहाँ पे काइंड अप्लाई uh, नहीं होगा काइंड क्यों देर आर टू काइंड इन द कॉन्टेक्स ऑफ डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट वैलिड एंड इनवैलिड या तो डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या तो इन इनवैलिड uh, होगा लेकिन इंडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट में डिग्री का फर्क होता है काइंड का नहीं क्यों क्योंकि वो ज्यादा अच्छा हो सकता है या ज्यादा खराब हो सकता है सो इंडक्टिव इंफ्रेंस डोंट डिफर एमोंग देमसेल्व इन काइंड दे इन डिग्रीज बट इन डिडक्टिव इंफ्रेंस ऑर्ग्यूमेंट डिफर्स इन काइंड एंड नॉट इन डिग्रीज बिकॉज डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट कैन बी ओनली टू टाइप वैलिड इनवैलिड बट डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट कैन बी लेस गुड और बैड लेस राइट और रॉन्ग एक्सेट्रा तो ये फर्क है काइंड और डिग्री का सो काइंड इज रिलेटेड टू डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट ओनली एंड डिग्री इज रिलेटेड टू इंडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट ओनली इंडक्टिव रीजनिंग Inductive reasoning logician don't question the status of a premises he does not bother whether the given premises are actually true or false in contrast in, uh, in inductive reasoning premises are not given here a logician collect the premises as the form of evidence or data रहे हैं और एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली या तो वो वैलिड होगा या तो इनवेलिड होगा ठीक है उसमें अच्छे बुरे का या डिग्री कम ज्यादा होने का चांसेस नहीं है इसलिए यहाँ पे दो वर्ड्स के थ्रू डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट को क्लियरली समझाया गया है नेक्स्ट साउंडनेस साउंडनेस क्या है वन कॉन्सेप्ट वी यूज टू वैल्युएट डिडक्शन इज वैलिडिटी एंड सेकंड वन इज साउंडनेस। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि वैलिडिटी कैसे एक डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट को वेलुएट करती है दूसरा नोशन है साउंडनेस साउंडनेस क्या है साउंडनेस ऑफ दर्ग्यूमेंट डिमांड्स टू कंडीशन यहां पे टाइपिंग एरर है ये टू पॉइंट एक्चुअली दो है टी डब्ल्यू ओ सो देर आर टू कंडीशन वॉट इज टू कंडीशन ऑफ साउंडनेस इट हैज टू बी वैलिड वैलिड मीन्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं एक ऑर्ग्यूमेंट वैलिड होना चाहिए वैलिड का मतलब इफ ऑल प्रोमिस आर ट्रू कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू एंड वॉट इज सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन ईच एंड एवरी वन ऑफ इट्स प्रोमिस टू बी आइदर ट्रू और एक्सेप्टेबल ये इसकी दूसरी कंडीशन है और जिसमें ये दोनों कंडीशन सक्सेसफुली मीट होंगी वो आर्गुमेंट डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट कहलाएगा और जिसमें ये कंडीशन नहीं मिलेगी वो इनवैलिड हो जाएगा और इसलिए उसे अनसाउंड कहेंगे सो वैलिड ऑर्ग्यूमेंट साउंड ऑर्ग्यूमेंट होता है एंड इनवैलिड ऑर्ग्यूमेंट अनसाउंड ऑर्ग्यूमेंट होता है सो एज लॉन्ग एज डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट फेल्स टू मीट वन ऑफ दीज टू कंडीशन दैन इट इज अनसाउंड सो इफ अ डिडक्टिव ऑर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड देन इट इज अनसाउंड अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स सो लेफ्ट साइड पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वैलिडिटी एंड साउंडनेस का और राइट right साइड पे इनवैलिडिटी और अनसाउंड का सो वैलिडिटी एंड साउंडनेस पैरिस इज इन फ्रांस फ्रांस इज इन यूरोप देयर फॉर पैरिस इज इन यूरोप यहाँ पे कंक्लूजन पूरी तरह प्रमिश को फॉलो कर रहा है और प्रोमिस एंड कंक्लूजन दोनों ही ट्रू हैं इसलिए ये ऑर्क्यूमेंट वैलिड है एंड साउंड ऑर्क्यूमेंट है इनकाउंट्रेडी सेकेंड एग्जाम्पल ए इज टॉलर देन सी बी इज टॉलर देन सी देअर फॉर ए इज टॉलर देन बी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंक्लूजन प्रोमिस को हंड्रेड परसेंट फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए ये इन है और इनवैलिड है इसलिए ये अनसाउंड है सो so, आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच